हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए 250 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो सॉल्यूशन सीरीज पेड कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज के टॉपिक डिस्प्ले डिवाइसेस के पार्ट फर्स्ट को, जो कि एक डेमो वीडियो के तौर पर आपको इसमें एक से लेकर के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। और इस पेड कोर्स में हम हर टॉपिक से 30 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। और इस तरीके से आपके फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक से मिला करके 250 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये जो बैच है, ये डेडिकेटेड है सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, और इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये बैच रहने वाला है। अगर आप इन सारी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ को कवर कर लेते हैं, 250 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके 85% जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक आपके 85% क्वेश्चंस में से कुछ भी यहाँ से आपका नहीं छूटने वाला है। इतने अच्छे तरीके से इस कोर्स को बनाया गया है। इस कोर्स से आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको 200 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। और इस कोर्स से संबंधित बाकी की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। आपके सामने एक नंबर दिख रहा है 8819072112 पर, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। यहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट की जानकारी और कैसे आप इन वीडियो कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, कहाँ से आपको ये वीडियो मिलेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस का पार्ट फर्स्ट है, और हम हर पार्ट वीडियो में जो है इस तरीके से हर चैप्टर के लगभग 3 पार्ट कंप्लीट करते हैं, जिनमें 1 से लेकर 10 तक के हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। आज के इस टॉपिक से हम 1 से लेकर के 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी के वीडियोस को अगर आप देखना चाहें, बाकी के कोर्सेज को एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक से, इस जो आपका चैप्टर है, इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, उनका मतलब होता है जो भी हमारा डाटा है वो डिवाइसेस के माध्यम से आपको शो किया जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहले तो मीटर होना चाहिए हमारे पास, कि मीटर जो है उसके माध्यम से हम अपने जो भी डाटा है, जो भी हम मेज़र करना चाहते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। तो उनको कहा जाता है पैनल मीटर। पैनल मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसा यंत्र होता है, जिसके द्वारा जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसको मेज़र किया जा सकता है, उसको मेज़र करके उसको आउटपुट में शो किया जा सकता है। अब ये इनपुट सिग्नल जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है और चाहे वो डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है। अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें, तो वो कुछ इस तरीके सिग्नल होते हैं जो कि समय के साथ इस तरीके से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि आप एक तरंग को देख सकते हैं, ये एक तरंग है और ये क्या है, एक एनालॉग सिग्नल होता है। और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल वे सिग्नल होते हैं जो कि समय के साथ ऐसे लगातार परिवर्तित नहीं होते हैं। इनमें सिर्फ इतना फ़र्क होता है, इनमें थोड़ी देर के लिए हाई हो जाता है और थोड़ी देर के लिए लो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो हाई होता है उसको 1 कह देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर 0 हो जाता है। तो इस तरीके से इन सिग्नल्स को, ऐसे ऐसे जो बॉक्स के आधार पर आपको दिख रहे हैं, इनको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। अब अगर जो पैनल मीटर है, जब वो 2 प्रकार के सिग्नल्स के आधार पर अपने डेटा को शो कर रहा होता है, तो उसी आधार पर जो पैनल मीटर होते हैं वो भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक पैनल मीटर आपका जो होगा वो कहा जाएगा एनालॉग पैनल मीटर, जो कि एनालॉग इनपुट सिग्नल के आधार पर इसको कहा जाता है। अगर हम इनपुट सिग्नल, जो भी हम डाटा मेज़र करना चाहते हैं, जो भी, जैसे कोई ऐसा सर्किट है आपके पास जिसमें लाइट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट क्या है, करंट एक एनालॉग सिग्नल होता है। अब अगर आप उसको मेज़र करना चाहते हैं, तो उसको मेज़र करने के लिए आपको जो भी डिस्प्ले डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, और जिस डिस्प्ले डिवाइस के माध्यम से आप उसे मेज़र करके शो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एनालॉग पैनल मीटर जो है शो करता है, एनालॉग पैनल मीटर कहलाएगा। इसके अलावा दूसरा जो इनपुट सिग्नल होगा वो डिजिटल है, तो डिजिटल इनपुट सिग्नल के आधार पर जो पैनल मीटर होता है उसको डिजिटल पैनल मीटर कहा जाता है।
यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है, और आई थिंक आपने ऐसा कोई मीटर देखा भी होगा, आपके लैब में देखा होगा या फिर किसी ऐसे मैकेनिक के पास देखा होगा जो कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट हैं उनको रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसा एक उनके पास मीटर होता है, और इस प्रकार का जो मीटर होता है वो क्या कहलाता है, वो एनालॉग पैनल मीटर कहलाता है। ठीक है, ये जो मीटर जो आपको शो किया गया है वो कैसा है, एनालॉग पैनल मीटर है। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ऐसा डिस्प्ले देख रहे हैं जो कि इस तरीके से नंबर्स के आधार पर आपको दिखाया गया है, तो ये जो पैनल मीटर होता है इसको डिजिटल पैनल मीटर कहते हैं, क्योंकि ये डिजिट के आधार पर आपको सीधे सीधे अंक दिखाए जा रहे हैं इसमें। अब जब ये जो मीटर थे, ये मीटर बनके तैयार हो गए, तो इनका जो डेटा है उसको भी डिस्प्ले करना होता है, और इस डिस्प्ले करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनके आधार पर, यहाँ पर डिस्प्ले डिवाइसेस की अगर बात करें और प्रेजेंट टाइम पे अगर वर्तमान में बात करें, तो जो डिस्प्ले डिवाइसेस डिजिटल तौर पर यूज़ होती हैं वो सबसे पहले यूज़ होती थी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, अभी भी बहुत सी जगह पर यूज़ होती हैं। जैसे अभी तो थोड़ी देर पहले आपको एक डिजिटल पैनल मीटर का डायग्राम दिखाया गया था, उसमें जो नंबर थे वो डिजिट के आधार पर थे, आपने बहुत बार ऐसे मीटर को देखा भी होगा, तो उनमें जो नंबर्स इस तरीके के नंबर्स होते हैं वो उसमें जो डिजिटल डिस्प्ले यूज़ होती है वो होती है 7 सेगमेंट डिजिटल डिस्प्ले। और इसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बाद आती है LCD डिस्प्ले। LCD डिस्प्ले भी लगभग 7 सेगमेंट जैसी ही होती है, पर इसको अगर थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो बहुत पहले आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में LCD डिस्प्ले यूज़ की गई है, LCD, तो उस तरीके से LCD जो है वो भी एक डिजिटल डिस्प्ले होती है। और इसके बाद और अच्छा मॉडिफिकेशन किया गया, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने के बाद जो डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले बन के तैयार हुई उसको LED डिस्प्ले कहा गया। आजकल LED डिस्प्ले जो है वो सभी जगह यूज़ हो रही है, आप जो मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं उसमें भी जो डिस्प्ले डिवाइसेस यूज़ हुई है वो भी LED डिस्प्ले डिवाइसेस होती है। और इन जो डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं इनके माध्यम से जो डेटा होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा प्रदर्शित किया जाता है, एकदम एग्जैक्ट डेटा। जैसे अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक तराजू को देखा होगा जो भी वजन तोलता है, तो उसमें अगर आपने कुछ सामान को रख दिया हो है उसको तोलने के लिए, तो वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डेटा देगा, एकदम पॉइंट में भी होगा ना तो वो पॉइंट में भी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं उनमें एकदम डेटा पॉइंट में होता है, और एनालॉग जो होते हैं ना, एनालॉग जैसे कि मान लो नॉर्मल तराजू हो गए जिनमें एक सुई टाइप की होती है, तो उसके माध्यम से आप एक्यूरेट डेटा नहीं पता कर सकते हैं कि अगर ये तो पता कर सकते हैं कि 1 किलो से ज़्यादा है कोई सामान या कम है, पर एक्यूरेट नहीं कर सकते। थोड़ी सी सुई अगर इस तरफ चली गई तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इतना कम है या ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिजिटल डिस्प्ले होती हैं वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू प्रदर्शित करती हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और वर्तमान में जो डिजिटल डिस्प्ले हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और हर चीज़ जो है वो डिजिटल तौर पर उपयोग की जा रही है, चाहे वो आपका DPM जो मेज़रमेंट होता है, DPM मल्टीमीटर होता है उसकी बात की जाए, CRO की बात की जाए, तो CRO भी जो है वो अब डिजिटल टाइप का हो गया, मल्टीमीटर भी आपके डिजिटल हो गए। तो इस तरीके से जो डिजिटल डिस्प्ले हैं उनका अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। और डिजिटल डिस्प्ले जो होती है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस क्यों होती है, क्योंकि जो भी डाटा होता है वो हमें दिखाई दे रहा होता है। अब आउटपुट का मतलब ये होता है कि जो मशीन हमें दे रही होती है उसको आउटपुट कहा जाता है। जैसे अगर हमने किसी मशीन को कुछ भी प्रदान किया, अपनी तरफ से कुछ दिया, अपनी तरफ से कोई डाटा दिया, तो उसको कहा जाता है इनपुट। फिर उसके बाद उस मशीन ने उसकी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद हमको उसका जो भी रिजल्ट है वो शो करके दिया, तो उसको क्या कहा, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट मतलब कि मशीन हमें प्रदान कर रही है जो भी डाटा उसको आउटपुट कहेंगे। और डिजिटल डिस्प्ले में जो आउटपुट डिवाइस है उसकी सूचनाएं जो होती हैं वो विजुअल होती हैं। सूचनाएं विजुअल का मतलब इसी तरीके से जो स्क्रीन होती है वो उसके आधार पर जो नंबर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, और इसके द्वारा इनपुट सूचनाओं को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पर उसके अंदर इनपुट किया जाता है। यानी जो सूचनाएं होती हैं वो इनको इलेक्ट्रिकल तौर पे आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं और उसके मान को प्रदर्शित किया जा सकता है। और ऐसी डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेस कहा जाता है। और ऐसी कुछ डिवाइसेस हैं जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, और इसके बाद लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, LED, जैसे कि हर जगह LED यूज़ हो रही है। ठीक है, और इसकी जगह पर एक और डिस्प्ले डिवाइसेस यूज होती थी जिसको PDP कहते थे, और PDP का फुल फॉर्म होता था प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। ये प्लाज्मा पर आधारित काम करती थी। और LCD के बारे में भी आपने सुना होगा जिसका फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है। और ELO एक डिस्प्ले डिवाइसेस भी होती है जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंट डिवाइस होती है, जो कि इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंट ल्यूमिनेंट मतलब कि प्रदीप
होते ही ना एक लाइट प्रदीप करना, उसके आधार पर काम करती थी। और फिर इसके बाद एक और डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस होती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस, बहुत पहले आपने देखी भी होगी, अभी भी बहुत जगह यूज़ होती है। जैसे अगर एसी का रिमोट है तो उसमें भी है, या फिर आपने घड़ियाँ देखी होंगी तो उसमें भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइसेस का डायग्राम है, जिसके आधार पर जो भी नंबर शो करना होता है, उन लाइनें जो लाइनें होती हैं उनको लाइट कर दिया जाता है, उनको प्रकाशित कर दिया जाता है, बाकी लाइन्स को प्रकाशित नहीं किया जाता है। जैसे अगर 1 को शो करना है तो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को एक्टिव कर दिया जाएगा, बाकी सारी लाइन्स को डीएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे नंबर्स को जो शो किया जाता है, ये कौन सी डिवाइस है, 7 सेगमेंट डिवाइस होती है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ी सी एलसीडी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डायोड होता है, और ये जो है कांच की 2 ध्रुवीकृत परतों के मध्य छोटे छोटे क्रिस्टलों को एरोनुमा संरचना कर दी जाती है, और एलसीडी के माध्यम से डेटा या फिर जो सूचनाएं होती हैं वो संख्या, अंक या आकृति, वर्ग आकृति के आधार पर शो की जाती हैं, तो उनको एलसीडी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक एलसीडी के आंतरिक पार्ट को दर्शाया गया है, जिसमें एक कांच का मिरर होता है, यानी कि एक मिरर होता है और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ग्लास के कुछ फाइबर्स लगे हुए होते हैं, फिर ग्लास फाइबर्स में से नेगेटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव फाइबर होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल होता है जिसमें क्रिस्टल जो होते हैं वो लिक्विड के आधार पर होते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, और इसके बाद फिल्टर लगाए जाते हैं, ग्लास फिल्टर को लगाया जाता है, और इन सभी को कंबाइन करके एक फाइनली एलसीडी इस तरीके से कंप्लीट की जाती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक एलसीडी यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हम 7 सेगमेंट की बात करें तो 7 सेगमेंट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, 7 सेगमेंट सूचक जो होता है वो डाटा मैट्रिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस के आधार पर होती है, इसको डाटा मैट्रिक्स डिस्प्ले भी कहा जाता है, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से संख्याओं के आधार पर जो डेटा है वो शो किया जाता है, ठीक है। और 7 सेगमेंट की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक प्रकार इसका होता है कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और एक प्रकार होता है कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इनके 2 प्रकार होते हैं, इनके प्रकारों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक जो है टेक्निक यूज़ की जाती है इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जिसको मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है, और मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं वो एक साथ एक ही चैनल में इसके अंदर प्रेषित किए जा सकते हैं, और इसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट जो होता है वो एक ही होता है, और मल्टीप्लेक्सिंग के लिए उपयोग होने वाली जो डिवाइस होती है, जो जिस डिवाइस के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसको मल्टीप्लेक्सर कहा जाता है। जैसे कि अगर आपका 7 सेगमेंट डिवाइसेस है, उसमें जो भी डेटा वहाँ पर शो करना है, तो डेटा जो चल रहा है वो एक लाइन में चल रहा होता है, पर यहाँ से जो डेटा है वो अलग अलग लाइन्स में आउटपुट के आधार पर वितरित हो जाता है, और फिर वो आपको 7 सेगमेंट के माध्यम से दिखाया जाता है। आइए अब इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा डिजिटल पैनल मीटर का प्रकार नहीं है। तो डिजिटल पैनल मीटर का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो डेटा जाएगा वो डिजिटली डेटा जाना चाहिए, उसमें अगर एनालॉग डेटा जाता है तो फिर वो डिजिटल पैनल मीटर के अंतर्गत नहीं आएगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, ये लोड सेल इनपुट कहा गया है, और लोड सेल इनपुट जो है वो एक डिजिटल डेटा के अंतर्गत होता है। पल्स इनपुट जो होता है वो पल्सेस जो होती हैं वो भी डिजिटल डेटा के अंतर्गत आती हैं, पर यहाँ पर सी में कहा गया है कि ये शक्ति विभव इनपुट होता है। आपका जो करंट होता है ना, जो लाइट होती है, वो क्या है, एक एनालॉग सिग्नल होता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर एनालॉग आ गया है तो फिर आपका जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल पैनल मीटर नहीं है पूछा गया है, और चूँकि जो इनपुट होता है शक्ति विभव वाला जो इनपुट है वो डिजिटल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, या लोड सेल इनपुट, ये तीनों के तीनों डिजिटल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जिनके माध्यम से हमें जो मशीन है उसके द्वारा जो भी प्रोसेसिंग की गई है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट निकल के आया है वो हमें पता चलता है, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से जो है कौन सी है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइसेस जो होती हैं वो एक आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे कि आपका मोबाइल स्क्रीन हो गया, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एक आउटपुट डेटा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग पैनल मीटर में मापित इकाई को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि एनालॉग पैनल मीटर जो भी हैं आपके पास, अगर उनसे आपने कोई भी चीज़ को मेज़र किया है तो फिर वो जो आउटपुट होगा वो आपको कैसे दर्शाया जाएगा। एनालॉग पैनल मीटर में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से एक लाइन टाइप की होती है जिसमें कुछ नंबरिंग लिखी हुई होती है, और एक पॉइंटर होता है जो कि इस पॉइंटर के माध्यम से पता चलता है कि ये अगर पॉइंटर इस वाली वैल्यू पर है तो हमें पता चलता है कि इतना इसमें कुछ जो भी डेटा है वो दिखाया गया है। तो एनालॉग पैनल मीटर में क्या होगा, आपका डेटा आपको पॉइंटर के द्वारा दिखाया जाएगा, जो भी ये एक डंडी टाइप की होती है ना, इसको ही पॉइंटर कहा जाता है। तो एनालॉग में क्या होगा, पॉइंटर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर CRT का फुल फॉर्म पूछा गया है। CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले का प्रकार पूछा गया है। CRT जो होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आती है, LED जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, LCD जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, पर जो PPE है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले नहीं होती है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उनमें कौन सा ऐसा अंक होगा जो 7ों LED के प्रदीप LCD, यहाँ पर LCD कर लीजिए, 7ों LCD के प्रदीप्त होने पर ही प्रदर्शित होगा। तो 7 सेगमेंट की बात करें तो कुछ इस तरीके की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, थीके? ये ऐसी 7 लाइनें होती हैं। अब ऐसा कौन सा अंक होना चाहिए इनमें से कि ये जो है 7ों की 7ों लाइनें एक साथ आ जाएं। तो ये आप देख सकते हैं ये कैसे बन गया है, 8 की आकृति बन गई है ना, जब आपका 8 होगा तभी ये 7ों लाइनें एक साथ आ जाएंगी और एक साथ जो है वो दिखने लगेंगी, तभी इसको कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में LED कब ऑन होती है। 7 सेगमेंट अगर कैथोड, कॉमन कैथोड की बात की जा रही है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती हैं वो 2 प्रकार की, एक कॉमन कैथोड भी होती है और एक कॉमन एनोड भी होती है। तो यहाँ पर कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में LCD कब ऑन होती है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो LCD कब ऑन होगी, सबसे पहला ऑप्शन है कि जब LED के एनोड पर कैथोड की अपेक्षा अधिक विभव होता है, तो एनोड पर अगर कैथोड की अपेक्षा ज़्यादा विभव कर दिया जाता है तभी वो है ऑन हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब LED के एनोड पर कैथोड की अपेक्षा ज़्यादा विभव हो जाता है तो वो ऑन हो जाती है, और ये किसकी बारे में बात की गई है, कॉमन कैथोड के बारे में बात की गई है। इसके जस्ट अपोजिट अगर कॉमन एनोड की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा कि कैथोड पर जो है एनोड की अपेक्षा ज़्यादा विभव हो जाएगा, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में 7 सेगमेंट डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पहला यहाँ पर डिजिटल मीटर, तो जी हाँ डिजिटल जो मीटर है उनमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने मल्टीमीटर देखे होंगे जो कि डिजिटल वाले, तो उनमें एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के माध्यम से ही आपको डेटा दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हो गई, जो भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ होता है। डिजिटल घड़ी जो होती हैं, डिजिटल घड़ी जो होती हैं उनमें भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है इसमें किस डिस्प्ले में LED सेगमेंट के सभी कैथोड कनेक्शनों को एक साथ लॉजिक 0 या ग्राउंड से जोड़ते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कॉमन एनोड होता है, सॉरी जो कॉमन कैथोड होता है ना उसमें ऐसा किया जाता है, कॉमन कैथोड जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें क्या करते हैं कि जो भी उसके कैथोड होते हैं, जितने भी उसके सारे के सारे कैथोड हैं उन सभी को एक सिरे में ला करके ग्राउंड किया जाता है, या ग्राउंड कहेंगे या फिर ज़ीरो कहेंगे। तो ग्राउंड या ज़ीरो का मतलब वही होता है कि वो उसको जितने भी उसके लॉजिक पॉइंट बन रहे थे उनको ग्राउंड कर दिया, उनको ज़ीरो कनेक्ट कर दिया, और ऐसा कब होता है, ऐसा कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती हैं उनमें जो इनपुट डेटा दिया जाता है वो किसके रूप में होता है, या फिर वो कौन से ऐसे नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो BCD नंबर सिस्टम होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।